दोस्तों, जब भी किसी भी परिवार के अंदर नन्हा शिशु यानी कि नवजात बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार उसे अपना खिलौना समझ लेता है। कभी दादाजी, कभी दादी माँ तो कभी मम्मी पापा उसे अपनी गोद में लेकर बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी नवजात शिशु हमारे घर के अंदर जन्म लेता है तो ना केवल खुशखबरी काफी ज्यादा होती है बल्कि खिलौनों की संख्या भी काफी हद तक ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु के आसपास आपको ऐसे खिलौनों को नहीं रखना चाहिए जिसके अंदर ज्यादा शोर मचाने वाली चीजें हो, जैसे कि बहुत ही ज्यादा लाउड तरीके के रोबोट्स वगैरह, कार्स वगैरह या फिर वीडियो कंट्रोल गेम। ऐसी चीजों को बच्चों से दूर रखना ही हमारे लिए सही होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बच्चों का पूरा शरीर बहुत ज्यादा नाजुक होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी नवजात शिशु को गोद में कोई भी लेता है तो हम उसे एक लाइन जरूर बोलते हैं कि संभाल कर गोद में लेना, ताकि बच्चे की गर्दन में कोई झटका ना आ जाए। ठीक उसी तरीके से ना केवल उसकी गर्दन, उसके हाथ पैर, नाक, मुंह, आंखें और कान काफी ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर होते हैं। इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक वाले खिलौने बच्चों के आसपास रखेंगे या फिर उन्हें प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वह आवाज ना केवल बच्चे को डिस्टर्ब करेगी बल्कि उनके सुनने की क्षमता को भी कम कर सकती है। एक शोध से ये बात सामने आई है कि जब भी हम बच्चों के आगे या फिर नवजात शिशुओं के आसपास बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चलाते हैं या फिर लाउड तरीके के गेम्स को प्ले करते हैं तो उसकी वजह से उनके कानों पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा बहरा भी हो सकता है और उसके कान के पर्दे भी नवजात होने पर ही फट सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है तो म्यूजिक पर, साउंड सिस्टम पर और खिलौनों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने बच्चों के आसपास सॉफ्ट टॉयज रख सकते हैं, जैसे कि कपड़ों से बनी हुई गुड़िया या फिर गुड्डे आदि। ये सारी चीजें अपने बच्चों के पास रख सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और वो सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए आपके बच्चों को तकलीफ भी नहीं पहुंचाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।